हेलो दोस्तों। तो भाई दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको पतंग कैसे उड़ा सकते हैं जो भाइयों को अभी पतंग उड़ानी नहीं आती है, ठीक है। हाउ टू फ्लाई काइट पे वीडियो बनाने वाला हूँ, और भाई पहला वीडियो मेरा वही था। तो भाई आज चलो बताता हूँ मैं आपको। देखो पहले तो साइज़ देख लो भाई पतंगों के, दो तीन साइज़ों में ही आपको ज़्यादातर पतंग उड़ाने को मिलेगी, ठीक है। ये है भाई मंजूली साइज़। और पतंग कैसे चेक करोगे भाई, ऐसे करके ऐसे देख लेना, ठीक है। ये ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा ढीला। ढीला होगा तो पतंग लिप होएगी, और ज़्यादा टाइट होएगा तो भाई वो सही से खिंचेगी नहीं पतंग, ठीक है। अजीब अजीब से होगी, देखो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है ना ये, जैसे ऐसे रहना चाहिए। और ये वाला भी ना ज़्यादा टाइट ना ढीला, ये थोड़ा ढीला है मगर इतना ढीला नहीं रहना चाहिए, थोड़ा टाइट रहना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से कोई सी पतंग। हाँ ये इसका ठीक है भाई, ठीक है, इतना ठीक है, इतना चलेगा, इतने पे आप ले सकते हो। और इस पतंग का साइज़ है भाई मंजोली, ठीक है। और अभी आपको कन्ने वन्ने उड़ाते कैसे हैं सब बांध के बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। पहले साइज़ वाइज देख लो आप। ये हो गई भाई मंजूली पतंग, और इसमें एक ये वाली भी आती है, ये मोर भी बोलते हैं भाई इस वाली पतंग को, आपने देखी भी होगी ये उड़ते हुए, ठीक है। इस पतंग को मोर भी बोलते हैं क्योंकि इसकी पीछे से पूँछ ऐसी रहती है कुछ कुछ। और भाई यहाँ पर तो मंजूली है, और एक आ गई भाई ये फिर अपनी अद्धी पतंग, इसको बोलते हैं भाई अद्धी। यहाँ पे मेरे मंजे वंजे अभी सूख रहे हैं भाई, आज काफ़ी दिन बाद धूप निकली है, दो तीन दिन बाद, तो भाई इसलिए धूप में लगाने के लिए थोड़े रख रखे हैं भाई। ये आ गई अपनी अद्धी पतंग, ठीक है। ये देखो इसका तिल्ला थोड़ा ये सॉलिड है, मगर ऐसा तिल्ले की नहीं लेनी है हमने को, अपने को लेनी है दोनों नॉर्मल। इसका थोड़ा ठीक है, ठीक है, ऐसी पतंग ले लेंगे हम इसमें, और इसमें ये वाली ठीक है भाई, और भाई ऐसी पतंग इसमें ले लेंगे, दोनों में ऐसी पतंग लेनी है, न ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा ढीला हो। ज़्यादा ढीला होगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा टाइट होगा वो भी दिक्कत करेगा भाई। और यहाँ पे ये अद्धी साइज़ है, इसे बोलते हैं अद्धी साइज़, जो मंजोली से बड़ा रहता है उस साइज़ को बोलते हैं भाई अद्धी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हैं कुछ कुछ भाई, इसके अंदर भी रख रखी ये वाली मैदानी पतंग है। ये मैं भाई छत से उड़ाता नहीं हूँ, बस ये मैंने ऐसी रख रखी खींच की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि भाई ये मेरे को बहुत ज़्यादा महंगी लगती है छत से उड़ाने के लिए। 10 रुपये की एक पतंग पड़ती है आपको, वो बल्कि 5-6 की आ जाती है, ये 10 की पड़ती है, तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा महंगी लगती है, इसलिए बस ये मैंने शौक के तौर पर रख रखी है ये वाली पतंगें, ठीक है। ये देखो ये वाली सारी शौक के तौर पर रख रखी है मैंने, इसलिए इन्हें मैं भाई उड़ाता नहीं हूँ, बस खाली खींच मारता हूँ इन्हें उड़ा के, जब खींच की प्रैक्टिस करनी होती है मेरे को, तो इसलिए रख रखे हूँ। और भाई चलो बताता हूँ मैं आपको आप कन्ने कैसे बांधते हैं। आपने मंजोली देख ली, और भाई इससे ये जो ये है ना अद्धी, इससे भी एक बड़ा साइज़ रहता है, ये है वो वाला साइज़ जो इससे बड़ा रहता है। ये देखो भाई इससे कितना बड़ा है, ये देखो ये पूरे फरमे की नहीं है, ठीक है, मगर ये इससे बड़ा है। ये देखो नीचे से बाहर निकल रही है ना, इस साइज़ को बोलते हैं भाई पौना साइज़, ठीक है, इस साइज़ को ये कहलाता है पौना साइज़। और भाई ये वाली पतंग भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और अच्छी उड़ती है। मैं आपको प्रेफर करूँगा जब आप शुरू शुरू में ट्राई कर रहे हो तो भाई कि अद्धी और मंजोली उड़ाओ, वही ठीक रहेगा, ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो जाता है, ठीक है, जो ये पौना रहता है, पौनी पतंग बोलते हैं इसे। चलो आपको कन्ने बांध के दिखाता हूँ मैं कैसे बांध सकते हैं कन्ने। आपको कोई सी भी सद्दी ले लेनी है भाई, ठीक है, कन्ने बांधने के लिए, या मंजे से भी बांध सकते हो जैसे आपका मन करे। पहले आपको मैं दिखाता हूँ भाई, अबे 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 हवा चल रही है बहुत तेज़, अगर हवा बहुत तेज़ है तो भाई आपको आगे से ऐसे कर लेना है चार। ये देखो कैसे करे हैं मैंने, ऐसे तोड़े, ऐसे करा, ऐसे कर लिया भाई, ठीक है। चलो इस वाली पतंग को बांध के दिखाता हूँ आपको, एक को ये पतंग, ठीक है भाई। तो दोस्तों यहाँ से एक झाड़ू की तिल्ली ले लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, एक आगे से तोड़ लेना है इसको, झाड़ू की तिल्ली ले लेना ऐसे कोई सी भी। और भाई इसमें पहले करते हैं छेद, आपको छेद बता देता हूँ कैसे करने हैं, ऐसे करके भाई ऐसे, ठीक है, और ऐसे, और इतने पे भी नाप सकते हो आप, देखो इतने पे भी ठीक बनते हैं भाई कन्ने, ऐसे करके ऐसे बांधोगे ना इतने पे भी सही बनते हैं। यहाँ पे छेद कर लेना अंदाजे से, सही उड़ेगी आपकी पतंग। और भाई फिर कन्ने बांधते हैं, चलो इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे, अगर हवा थोड़ी तेज़ है ना तो इसको चौपल कर लेंगे, मतलब चार बार हो गया ये देखो, ठीक है, चार बार हो गया ना, अब ये टूटने के नहीं है ये वाले कन्ने। आप वैसे डबल भी करके बांध सकते हो, ऐसे भी डबल करके बांध सकते हो भाई, वैसे भी बांध सकते हो और ऐसे भी बांध सकते हो, ऐसे डबल कर लेना इसे, और इसको तोड़ लेते हैं इधर से। और ये देखो अब ये डबल हो चुका है, अब इसको यहाँ पर ऐसे बांध दो। मैं ऐसे ही बांधता था पहले, मगर अब मैंने सिंगल बांधने चालू कर दिया क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पतंग उड़ा रहा हूँ ना, इसलिए तो सद्दी वेस्ट ना हो, इसलिए ऐसे करके ऐसे अब ये चौपल हो गए। इसको नीचे से इधर से डालेंगे, पहले सबसे पहले जिधर तिल्ला नहीं है ना इस साइड से डालेंगे, और फिर इधर से निकालेंगे इसको भाई, इधर से निकाला ये ऊपर से हमने, और अब ये ऐसे करके ऐसे निकल चुका है, ठीक है। अब देख लो भाई
अब इसके अंदर मारेंगे गांठ। ये देखो गांठ कैसे मारेंगे, ऐसे करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे करके ऐसे इसके अंदर गांठ लग जाएगी भाई बड़े प्यार से। एक और बार, और तीन गांठ तो मिनिमम मारनी है, तीन से ज़्यादा कम आप वो कम तो मत करना, ज़्यादा कर सकते हो, तीन चार जितनी आप मार लो सही लगेगी, सही रहेगी। ठीक है, मैंने इसमें तीन चार मार लिए भाई। ये देखो यहाँ से ये वाली पतंग फट रही है, इसमें थोड़ा टेप लगा लेंगे। और भाई आपको ये ज़रूरी नहीं है जब छत से पतंग उड़ाओ, अगर पतंग ठीक है ना तो बिना टेपिंग के भी उड़ा सकते हो भाई। मैदान वालों के लिए इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे पेज से लड़ाते हैं, तो उनकी पतंग है ना भाई बहुत ज़्यादा फटने के चांसेस रहते हैं। जो छत से उड़ाते हैं उनकी जल्दी कट जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमें ये देखो यहाँ से भी ऐसी बांधनी है, यहाँ से पहले निकालना है फिर वहाँ से निकालना है और इसको ऐसे करके ऐसे बांध लेना है। ठीक है, तो उनकी पतंग में भाई बहुत तगड़ी हवा लगती है और बहुत दूर पेज जाते हैं ना उनके, तो इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि वो मतलब कि टेप मार के ही उड़ाएं। हमें इतना ज़रूरी नहीं है भाई कि टेप मारे ही मारे, बिना टेप मारे भी उड़ा सकते हैं भाई हम अपनी पतंग। यहाँ पे देखो जैसे ये फट रही है इसमें मार लेते हैं। ठीक है, ये फटी हुई है कि रख सकते हो अपने बैग में। ठीक है, मतलब बैग में क्या, जिस जब आप पतंग उड़ाने आओ तो ऐसी टेप भी रख सकते हो। इसको मैं ऐसे काट लूँगा भाई, और ये देखो यहाँ पर ये ऐसे लग जाएगी जिससे कि और नहीं फटेगी। अब ये टेप लग जाएगी ना इस पर। ठीक है, अब ये ऐसे लग गई भाई, इसको यहाँ पर ऐसे बांध देंगे। अब ये बंद हो चुकी है पूरी तरह से, दूसरी साइड भी मार लेंगे ताकि एक साइड इसका बैलेंस ना बिगड़े। ठीक है, एक साइड लगाएंगे तो बस एक साइड को थोड़ी जा सकती है, तो इसलिए दोनों साइड लगा लेंगे भाई। ये सेम जैसे वहाँ लगाइए वैसे इधर लगा देंगे भाई। ये देखो इधर भी लग गई, और ये ऐसे करके ऐसे लग चुकी है। और भाई ये धूप में मैंने इसलिए रख रखी है, सारी पतंगें बहुत ज़्यादा सील गई थी, और भाई धूप में रख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इनमें और ज़्यादा बहुत ज़्यादा जान आ गई हो एकदम से। अब ये भाई कन्ने इसके बन चुके हैं। ठीक है, ये देखो अब मैं आपको बताता हूँ ये वाले कैसे बांधते हैं, ये चीज़ कैसे बांधते हैं इसकी। ठीक है, आप इस वाली चीज़ को ऐसे बांधोगे, ये वैसे थोड़ा हवा के ऊपर भी रहता है मगर आप ऐसे बांध लेना भाई, आपको बताता हूँ। ऐसे पकड़ना इसको, ठीक है, अगले कन्ने को हल्का सा छोटा करना और इधर से ऐसे पकड़ना इसको और चेक करना ऐसे। ठीक है, अगला कन्ना हल्का सा छोटा रखना, ये देखो ऐसे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसे करा। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे ऊपर से और इसमें ऐसे करके ऐसे गांठ मार देंगे भाई, प्यार से लग गई इसके अंदर गांठ। अब ये देखो भाई ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है। ठीक है, और भाई अब हो चुके हैं तैयार। और इसके बाद क्या करना है हमें पतंग में, इसके बाद करने बांध लिए अपने, उसके बाद हमें मोड़ने हैं इसके तिल्ले। तिल्ले आप इसको सर पे रख के मोड़ सकते हो, ये देखो इधर से ऐसे तिल्ले मोड़ते हैं, आगे से मोड़ने हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे ही मोड़ सकते हैं सर पे, सर पे इस चीज़ को ऐसे रखोगे आप, ऐसे मोड़ोगे तो ये प्यार से मुड़ जाएगी। ये देखो ऐसे मोड़ रहा हूँ फिलहाल मैं, और सर पे इसे लगाएंगे और ऐसे मोड़ लेंगे। सर पे लगा के मोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई सर पे मुड़ के कुछ कुछ ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो हल्के सीधे करें, अब ये हो चुके हैं भाई बढ़िया कन्ने। और यहाँ पे थोड़ी सी टेप मार लेते हैं ताकि ये कन्ने हमारे चिर ना जाए, जब ज़्यादा हवा होगी जब तो ये इसमें चिरेंगे शायद ये, और जब कम हवा होती है तो थोड़े चिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अगर टाइट की बांधोगे तो वो भी नहीं चिरेंगे, आगे पतंगे भी उड़ने लग गई। ये देखो भाई यहाँ पे टेप मारते हैं ताकि कन्ने चिरे ना। अब ये देखो ऐसे हो गए, और भाई ट्राई करना जब कम हवा हो ना तो कन्ने आप इसके यहाँ पे बांधो, थोड़े यहाँ पे हल्की सी दूर कर देना, और जब कम वो ज़्यादा हवा हो तो थोड़े पास कर लेना इस कन्नों को। ठीक है, फिर सही रहेगा अपना, मस्त हो जाएगा एकदम। अब भाई ये कन्ने हमारे बंध चुके हैं, पतंग हमारी हो चुकी है एक तरह से रेडी, अब बस इसमें हमें बांधना है धागा और इसको उड़ाना है, और आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे उड़ा सकते हैं के लिए, क्योंकि वो तो सब सूख रही है उधर, मंजा में लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बस बता रहा हूँ अभी। ये देखो इसमें ऐसे करके ऐसे बांधना है इसको, कई बंदे ऐसे भी बांधते हैं, ऐसे करते हैं इसको और ऐसे घुसेड़ के बांध देते हैं, मगर ऐसे ठीक नहीं है भाई। इसको साथ में पकड़ो ऐसे, और इसको सारे को ऐसे करके ऐसे कर लो और ऐसे गांठ मार दो। ये लग गई, एक और मार दो भाई ताकि ये टूट के ना चला जाए, बस बन गए। अब देखो ये पतंग हो चुकी है हमारी बिल्कुल रेडी उड़ने के लिए, चलो अभी से उड़ा के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कैसे उड़ा सकते हैं। दोस्तों भाई थोड़ी पतंग उड़ा दी, मौसम थोड़ा ख़राब सा उठा दिए, थोड़ा मौसम ख़राब सा हो रहा है, अगर बारिश आई तो मैं उधर को लेकर भाग जाऊँगा इन्हें जल्दी से। तो भाई चलो मैं बता रहा था आपको पतंग कैसे उड़ा सकते हैं भाई। ठीक है, अगर भाई तेज़ हवा है ना तो आप टेप मार के उड़ाना, क्योंकि तेज़ हवा में भाई टेप मार के उड़ाओगे तो तुम्हारी पतंग फटने के कम चांसेस रहेंगे, क्योंकि तेज़ हवा में भाई पतंगें फट भी जाती हैं।
थोड़ी दूरी पे ही फट जाती है तेज हवा में, तो इसलिए जब टेप मार के आप उड़ा सकते हो। और भाई चलो आपको मैंने सब कुछ तो बता ही दिया है टेप वेप मारने का, तो चलो अब देखते हैं इसे उड़ा कैसे सकते हैं हम। भाई सबसे पहली ट्रिक और सबसे आसान ट्रिक, बचपन से मैं इसी ट्रिक से उड़ाता हूँ आ रहा हूँ पतंग। और भाई चलो बताता हूँ कि कैसे उड़ाते हैं। इसको नीचे घेरो, ठीक है, इस पतंग को नीचे घेरा, छरगी पकड़ो हाथ में, पीछे देखना है कि इधर की साइड कुछ ना हो, इधर तार है मेरे, मगर मैं इधर को इसको झपकूँगा। ये देखो इसको ऐसे पकड़ो इधर से, और इसको ऐसे करके इधर को ऐसे फेंकना, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ऐसे करना, ठीक है, ऐसे पकड़ना और ऐसे करके ऐसे फेंकना, ऐसे फेंकोगे ये थोड़ी ऊपर को जाएगी, जब ये ऊपर को जाएगी तो आपको ऐसे ठुमके मारने, मुँह पे ही सूरज आ रहा भाई बिल्कुल, ऐसे ठुमके मारने तो ये ऐसे करके ऐसे बढ़ जाएगी भाई। ये देखो ऐसे ठुमके मारोगे, ये देखो ऐसे मारे ठुमके, और भाई ये मारे ठुमके ये ऐसे बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। अभी दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको, दो तरीके बता दूँगा, दो तीन, जिससे कि आपको पतंग उड़ाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी भाई, ठीक है। एक तरीका तो आपने ये देखा, ये देखो भाई अब हमारी पतंग ये बढ़ चुकी है बढ़िया करके, और ये देखो चरखी ऐसे ही पकड़नी है हाथ में, चाहो तो और अचाहो तो लगा भी सकते हो, मेरे को पकड़ के उड़ाने में आसानी लगती है बहुत ज़्यादा। ये भाई हमने ऐसे करके ऐसे तो बढ़ा ली, अभी हम उतारने वाले हैं इसको। ये देखो उतार रहा हूँ मैं इस पतंग को अब दोबारा से, और दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, ये मैंने पीछे झपकने का तरीका बता दिया कि पीछे से कैसे फेंक के उड़ा सकते हैं, अब दूसरा तरीका देख लो भाई। तो दोस्तों दूसरा तरीका देख लो भाई, अगर आप छोटे हो तो मत करना ये, ठीक है, हल्की सी, अगर आप बड़े हो तो ही करना, और बाउंड्री आपकी ज़्यादा होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है। इसको नीचे गिराएंगे, अब भाई दूसरा तरीका दिखाने वाला हूँ। ये नीचे गिराई हमने पतंग, अब इसकी चोंच हमें ऐसे ऐसे करनी है, ऐसे ऐसे करना है भाई, इस पतंग से दूसरी साइड होगी जैसी इसकी चोंच, मैं दिखाता हूँ आपको करके। ये देखो ऐसे हुई, और ये हमें ऐसे करनी है, यूँ उठानी है, ये ठुमके मारने हैं इसमें ऐसे करके, ऐसे और ऐसे करके ऐसे, जब ठुमके मारोगे तो ये ऐसे निकलेगी पतंग। ये देखो ऐसे, एक और बार देख लो भाई, हो सकता है आपको समझ ना आई हो, ये उड़ तो यूँ ही जाएगी क्योंकि हवा आज बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जब कम भी हवा हो ना आप जब भी ऐसी कर सकते हो भाई। ये लटकाई नीचे हमने, ठीक है, ए हवा थोड़ी रुकने देता हूँ, जब भी आपको अच्छे से पता चलेगा। ये मैं इसकी चोंच आगे कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, चोंच आगे ऐसे ऐसे करके, ये देखो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके चोंच आगे कर रहा हूँ। ये देखो ऐसे पतंग घूमती है, ये देखो, ठीक है, चोंच आगे कर ली हमने, इस वो कर ली, अब करी, ये देखो ऐसे मारे, ये देखो मैं कैसे मार रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे ऐसे मारे, ये देखो मेरा हाथ देखो ध्यान से, ये ठुमके मार रहा हूँ, इसे बोलते हैं ठुमके मारना, ये देखो ऐसे ठुमके मारते हैं, क्या बोलते हैं इसे भाई, ठुमके मारना, ठीक है। ये देखो ये मारे ठुमके, और ये हो गई भाई हमारी पतंग पार। अब भाई चलो, ये दोनों तरीके आपने सीख लिए, दोनों बहुत ज़्यादा आसान तरीके हैं भाई, और एक और तरीका भी है भाई, आप अगर आपके साथ कोई बंदा है, मेरे साथ तो वैसे ज़्यादातर कोई रहता नहीं है, अगर आपके साथ कोई बंदा है तो आप उसको पतंग पकड़ाओ और उससे बोलो कि कन्ने देने के लिए, ठीक है। कन्ने कैसे दिए जाते हैं वो भी बता देता हूँ अभी आपको, इस वाली पतंग को उतार के, ठीक है, ये वाली पतंग उतार के आपको कन्ने देना बता सकता हूँ, बता देता हूँ कैसे दिए जाते हैं, आप कैसे पकड़ोगे और दूसरा बंदा कैसे पकड़ेगा वो भी बता देता हूँ भाई। आई होप सो आपको ये दोनों तरीके समझ आ गए हैं। ये देखो वो पकड़ेगा पतंग को ऐसे, जो कन्ना देने वाला है, ठीक है, वो देगा ऐसे जाके भाई कन्ने आपको, ये देखो ऐसे कन्ने देगा वो, ठीक है, वो पकड़ेगा ऐसे और आप पकड़ोगे डोर ऐसे, ये देखो भाई डोर पकड़ोगे आप ऐसे, और जैसी हल्की सी हवा चले या फिर हल्की सी हवा ना भी चले तो आप उसको बोलना छोड़ने के लिए पतंग, जैसी वो छोड़ेगा आपको ऐसे करके या तो खींचनी है पतंग या फिर आपको ऐसे ऐसे ठुमके देने ताकि पतंग ऊपर को लग जाए। ये देखो ऐसे करके हमें ऐसे, देखो जैसे उनने कन्ने दिए ऐसे करनी है आपको पतंग, ठीक है, ये देखो ऐसे करनी है आपको, जैसे कन्ने दिए हैं किसी ने ऐसे करनी है पतंग, तो ये अपने आप ऊपर जाएगी। और ये देखो हल्की हल्की ढील देते रहेंगे, ये नहीं कि खाली ठुमके मार रहे हैं, ठुमके के साथ ढील भी देनी है जब पतंग बढ़ेगी, वरना तो नहीं बढ़ने वाली पतंग, ठीक है। कई बंदे ऐसे होते हैं जो खाली ठुमके देते हैं, मैं मतलब किसी को सिखा रहा था यहाँ पे, ठीक है, पतंग बच्चों को, तो भाई वो ऐसे ही कर रहे थे, खाली ठुमके मार रहे थे, ठुमके के साथ साथ हल्की हल्की ढील देनी होती है तो पतंग बढ़ती है। ओए ये कहाँ जा रही है, ये देखो भाई, ठीक है, ठुमके के साथ साथ हल्की हल्की ढील दो। अब भाई आपने पतंग उड़ाना सीख लिया, ठीक है, उड़ाना तो सीख लिया होगा,
आई होप सो, और आप थोड़ी बहुत इसे उड़ा भी लोगे ऐसे। अब भाई मेन काम आता है जब पतंग उड़ जाती है तो संभालने का, जब पतंग नीचे जाती है तो कैसे संभाली जाए, ठीक है। जैसे आपकी ये पतंग उड़ चुकी है अभी, अब इतनी उड़ गई ना अगर आपसे पतंग, तो आप इसे कितनी बढ़ा लोगे भाई, ठीक है। अब काम आता है भाई कि हम इसे संभालेंगे कैसे। ये देखो भाई पतंग उड़ रही है आपकी, ये जा रही है भाई नीचे को, तो आपको खैच नहीं माननी है, एकदम होपलेस नहीं होना है। जब ये नीचे जाएगी पतंग आपकी, डर के मारे कई बंदे होपलेस हो जाते हैं, होपलेस बिल्कुल नहीं होना है आपको। अपना आराम से डोर पकड़ के रखो, और जैसे ही नीचे जाए ना हल्के हल्के ट्राई करो, देखो हाथ ऐसे करने की, ये देखो ऐसे करके, और ऐसे घुमाने की पतंग, कि पतंग घूमे तुम्हारी। ये देखो जब ऐसे करोगे पतंग, तो पतंग तुम्हारी घूमेगी, ये देखो, ठीक है। अरे यार धूप आ गई। तो दोस्तों भाई देखो, ये देखो हाथ को आपको ऐसे करना है, ये देखो ऐसे करना है, ठीक है, ये ऐसे, तो तुम्हारी पतंग लगेगी घूमने। जैसी घूमे ऊपर को आए खींच दो, खींच लो ऊपर को, जब चोच हो इसकी खींच लो, जब अगर नीचे जा रही है पतंग, ठीक है। ये दोनों साइड चक्कर ऐसी लेती है पतंग, ये देखो अगर ऐसे, ये देखो ऐसे करना है आपको हाथ हल्का हल्का, ये देखो चक्कर ले रही है ना, ऐसे ही करना होता है बस, ये चक्कर लेने लग जाती है आपकी पतंग, और कुछ नहीं ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस है। ऐसे चक्कर लेगी, ये देखो दूसरी साइड चक्कर दे के देखते हैं, ये देखो अब लेगी लेफ्ट के चक्कर, ये देखो बस आपको ऐसे करना है, हल्की हल्की ढील देनी है बस पकड़ के, घूमने लग जाएगी आपकी पतंग। ये देखो ओए होए होए, क्या कह रहे हो, मेरे से ही नहीं संभल रही, मेरे को हमको क्या बताएगा। अरे भाई ये यार मेरी चरखी लगी नहीं पड़ी इसलिए नहीं संभल रही है, संभाल तो मैं इसको लूँगा ही, ठीक है। ये देखो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये देखो भाई, ठीक है इधर कर लेता हूँ, थोड़ी इधर कम है हवा, ये देखो ऐसे चक्कर लेती है पतंग, ठीक है। अब आपने चक्कर लेना भी सिखा दिया, अब हल्की हल्की खींच भी मारना सीख लो भाई, खींच हो गए आप ऐसे, ये देखो मेरे हाथ की साइड देखना, ये मैं आपको अपने हाथ दिखाता हूँ, ओए कहाँ जा रही है, इधर आ, ये देखो भाई आपको खींचनी है ऐसे, ऐसे करना है, पहले ये वाले हाथ से खींचनी है फिर पीछे वाले हाथ से, और आपको ट्राई करना है ये हाथ है ना यहाँ ऊपर नहीं करने, हाथ ऊपर करोगे तो भाई दर्द हो जाएंगे हाथ बहुत गंदी तरह, आपको ट्राई करना है हाथ नॉर्मली नीचे रहें, जैसे नॉर्मल रहते हैं ना अपने ऐसे हाथ नीचे रहें, ये देखो भाई ऐसे नीचे रहें हाथ तो ज़्यादा अच्छा है, ये देखो ऐसे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखो ऐसे करके ऐसे खींच मारना बोलते हैं इसे। आपने सीख लिया कन्ने कैसे बनते हैं, पतंग उड़ती उड़ाई कैसे जाती है, ठुमके मारना सीख लिया, ठुमके मारते हैं भाई ऐसे, देखो ऐसे करके ऐसे, इसे बोलते हैं ठुमके मारना। जब ऐसे ठुमके मारोगे तो तुम्हारी पतंग नहीं ऊपर जाएगी, जब ऊपर की चोंच होगी, जब मारने आपको ऐसे ठुमके तो आपकी पतंग ऊपर जाएगी यूं यूं करके, ठीक है। तो भाई जब ऊपर जाएगी पतंग तो फिर ढील देनी है ठुमके मार मार के, जब आपको बढ़ानी है पतंग, ऐसे करके ऐसे ठुमके मारोगे भाई और ढील दोगे, हल्की हल्की ढील दोगे, हल्की हल्की, ठीक है। ज़्यादा ढील नहीं देनी, ज़्यादा ढील दोगे तो भाई तुम्हारी डोर नीचे लग जाएगी, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, हल्की हल्की ढील देनी है अपना मस्त, हवा के हिसाब से ढील देनी होती है, हवा तेज़ है तो आप थोड़ी तेज़ भी ढील दे सकते हो भाई। और भाई ऐसे करके ऐसे बढ़ानी है अपने को पतंग, और भाई कुछ कुछ ऐसे ही बढ़ेगी। और भाई अगर बरसात का मौसम है, आपकी छत गीली पड़ी है बहुत ज़्यादा, तो आप भाई ये पन्नी की पतंगे भी उड़ा सकते हो, ये देखो मैंने पन्नी की पतंगे इसीलिए रख रखे हैं बस जब बरसात हो तब उड़ाने के लिए, ये बरसात में ठीक रहती हैं, सीलती नहीं है, जो कागज़ वाली पतंग रहती हैं वो सील जाती हैं तो बुरा मान जाती हैं भाई, ये पतंगे सीलती नहीं है और ना ये बुरा मानती हैं बरसात में, आप इनको छत पे से प्यार से उड़ा सकते हो भाई जब वो हो, ठीक है। और इसका तिल्ला देखो कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा और करें क्या, करके देखें, करके देखें, करके देखें, और ये लो भाई कितना मस्त तिल्ला लगा रखा है इसके अंदर, एकदम फ्लेक्सिबल, चिपका दें, चिपका दिया भाई, ये लो चिपक गया इसका तिल्ला, और ये बन गई हमारी पतंग, देखो कैसी।